हाय व्यूअर्स, वेलकम टू शेफ फैसल चैनल। मैं हूं शेफ फैसल और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं मटन चॉप की डिलीशियस और इजी रेसिपी। इसे मेरे कहने पे जरूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही लाजवाब और मज़ेदार बनती हैं। चलिए अब हम अपनी रेसिपी से चलते हैं। यहाँ पे मैंने मटन की 3 चॉप्स ली हैं। अब हम इसमें ऑलिव ऑयल 1 खाने का चम्मच, ओरिगैनो 1 चाय का चम्मच शामिल करेंगे, लहसुन पेस्ट 1 चाय का चम्मच इसमें शामिल करेंगे, नमक आधा चाय का चम्मच या हसबे साइटा इसमें शामिल करेंगे और इन सब इंग्रीडियंट्स को हम अच्छी तरह से चॉप्स पे लगा लेंगे और इसको 30 मिनट के लिए हम रख देंगे ताकि सारे मसाला जात इसके अंदर जज्ब हो जाएं। यहाँ पे मैंने एक दरमियान आलू लिया है जिसको हम इसके साथ ही रोस्ट करेंगे, जिससे इसका जायका और ज़बरदस्त हो जाता है। इसको हमने वेज शेप में काट लिया है और इसको भी हम चॉप्स के साथ ही रख के मैरिनेट कर लेंगे। चॉप्स को पकाने के लिए मैंने एक पैन लिया है जिसमें 1 खाने का चम्मच हमने मक्खन शामिल किया है। इसको हम मेल्ट कर लेंगे दरमियानी आंच पे और इसमें हम 4 जवे लहसुन के शामिल करेंगे, जिससे इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा और मुझे खुद भी ये खाने में बहुत पसंद है। यहाँ पे मैंने जो चॉप मैरिनेट की थी जिस तकरीबन 30 मिनट हो चुके हैं मैंने पैन में शामिल कर ली हैं। साथ में इसमें हमने पोटैटो वेज भी ऐड कर ली हैं। इसको हम तेज़ आँच पर दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से पकाएंगे। अब हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, सोया सॉस 3 खाने के चम्मच इसमें शामिल करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करें हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इस चॉप को हमने अच्छी तरह से पलटा लिया है और अब हम इसको ढांप कर हल्की आंच पे 15 मिनट तक पकाएंगे। 15 मिनट हो चुके हैं और हमारी चॉप बेहतरीन तरीके से गल गई हैं। अब हम इसको दूसरी साइड पर पलटाएंगे और तकरीबन 3 से 5 मिनट तक हम इसे पकने देंगे। 3 से 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इस पर 1 चुटकी काली मिर्च छिड़केंगे। इसके साथ ही हमारी चॉप्स तैयार हैं। इसको आप केचप, रायता, नान किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी ये डिलीशियस जूसी चॉप्स तैयार हैं। आप इसको मेरे कहने पर जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही शेफ फैसल को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।